आप देख सकते हैं रीजेनरेशन का सिंबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी हम गाड़ी को साइड में लगा चुके हैं और गाड़ी को ऑन कर दिया है। आरपीएम हमारा 1 से नीचे है, तो सबसे पहले हम ट्रिप को प्रेस करेंगे कॉन्टिन्यूसली, और तब तक प्रेस करेंगे जब तक वहाँ पर रीजेनरेशन का एक मैसेज डिस्प्ले ना हो जाए। देन हम सेट बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे ताकि रीजेनरेशन स्टार्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं आरपीएम हमारा सडनली इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम बिलो 1 to 2। नाउ ये कंटिन्यूअसली ये इंजन रीजेनरेशन प्रोसेस को करता रहेगा। अब आपको वेट करना है 15 to 30 मिनट्स, जब आपकी आरपीएम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और रीजेनरेशन का सिंबल दोनों ऑफ हो जाएंगे। नाउ यू आर गुड टू गो। अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिखा रहा हूँ। ये एक सेकेंड सिनेरियो है जब मैं व्हीकल को ड्राइव कर रहा हूँ और रीजेनरेशन का सिंबल शो कर रहा है। तो मैंने एक हाईवे चूज़ किया है जो कम्प्लीटली एक क्लियर रोड है, जहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड मोर देन 60-70 किलोमीटर पर आवर मैं ड्राइव कर सकूँ फॉर अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ 15 मिनट्स और 30 मिनट्स। तब तक ड्राइव करूँगा जब तक ये रीजेनरेशन का जो सिंबल है वो ख़त्म ना हो जाए। और आप ध्यान रखिएगा कि इस बीच में आपको एक्सेलेटर को सिर्फ होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है। इस बीच में आप क्लच यूज़ नहीं करेंगे और ब्रेक्स भी यूज़ नहीं करेंगे। आपका जो आरपीएम है वो मोर देन 2 रहना चाहिए। अब मैं आपको फुट पोजीशन दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक्सेलेटर को होल्ड करके प्रेस करके रखा हुआ है ताकि मेरी स्पीड कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे अबव 60 और 70 किलोमीटर पर आवर। क्लच और ब्रेक एब्सोल्युटली फ्री है और मैं इसे प्रेस नहीं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आरपीएम 2 से अबव है और ये क्लियर हाईवे है जहाँ मैं इजीली इसे ड्राइव कर सकूँ, जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है।